हमने यहाँ पर देखिए, अब योग सेक के अंदर यहाँ जब लास्ट में हम यहाँ डायग्राम देख रहे थे तो ये एक योग सेक का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या फील्ड रहता है? योग फील्ड रहता है। इस योग को सोल्यूबल फॉर्मेट में बदलने के लिए एक डाइजेस्टिव एंजाइम रहता है जो कि खुद योग सेक की, जो योग सेक है इसकी जो एंडोडर्म होती है, लाइनिंग होती है, वो सिक्रीट करती है ऐसा डाइजेस्टिव एंजाइम। तो जब ये डाइजेस्टिव एंजाइम इस तक आता है तो वो पूरी तरह से सोल्यूबल फॉर्मेट में आ जाता है। अब ये जब सोल्यूबल हो जाता है तो इस योग को यहाँ पर एक डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा, फॉर एग्जाम्पल ये उसके डायग्राम हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मान लीजिए ये है तो वो उसको डिफ्यूजन के थ्रू अपने अंदर ले लेगा। तो ये एक फॉर्मेशन हो जाता है योग सेक का, और लास्ट में योग सेक भी खत्म हो जाता है, मिडगट में वो एब्जॉर्ब हो जाता है जब पूरी तरह से डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है। और थोड़े टाइम बाद ये भी देखने को मिलता है कि ये जो नरिशमेंट यहां पर वो ले रहा था डिफ्यूजन के थ्रू, उसके बदले अब यहां पर कैपिलरी नरिशमेंट शुरू हो जाता है, यानी कि वो जो एम्ब्रियो है वहां तक कैपिलरीज आ जाती है और उस कैपिलरीज के थ्रू ही उसमें नरिशमेंट जाने लगता है। तो ये सब था योग सेक का। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट है हमारे पास एमनियन और कोरियन के बारे में। एमनियन जो एक मेम्ब्रेन होती है, वो फुली डेवलप्ड एमनियन जो रहती है इज लाइक अ प्राइवेट पॉन्ड, एक प्राइवेट पॉन्ड की तरह होती है जिसमें जो एम्ब्रियो होता है वो पूरी तरह से प्रिवेंटेड होता है हर तरह के डेंजर ऑफ डेसिकेशन से, किसी भी तरह से वो सूख ही नहीं सकता जैसे एक प्राइवेट पॉन्ड होता है। लेकिन आफ्टर अबाउट वन डे और 24 आवर्स, एक दिन और 24 घंटे की अगर हम बात करें, उसके बाद क्या होता है, जो डेवलपमेंट होता है प्रिमिटिव स्ट्रीक का वो कंप्लीट हो जाता है। इससे पहले वाले हमने वीडियो सेगमेंट में यही समझा था कि प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो प्रिमिटिव स्ट्रीक का जो कहना चाहिए डेवलपमेंट होता है वो 24 घंटों में कंप्लीट हो जाता है। अब ये जो एम्ब्रियो रहता है वो स्टार्ट सिंकिंग इनटू द योग, वो योग के अंदर एक तरह से डूबने लगता है, अंदर की तरह धसने लगता है, पूरी तरह अंदर चले जाता है योग में। ये जो योग हमने यहां बनाया था तो इसी योग के अंदर वो छुपने लगता है जैसे कि अंदर जा रहा हो, इस तरह से एम्ब्रियो में दिखाई देता है। एंड बिकम्स मोर एंड मोर डिलिमिटेड फ्रॉम द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स, और बहुत कम ही से दिखाई देता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स की तरफ से। द डेवलपमेंट ऑफ एमनियन कैन बी अंडरस्टैंड एज फॉलोज। अब जो एमनियन का डेवलपमेंट है वो किस तरह से होता है उसे देखेंगे। सबसे पहली जो चीज होती है वो ये होती है फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक हेड एंड टेल फोल्ड। सबसे पहले एमनियोटिक हेड बनेगा और टेल फोल्ड बनेगा। जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमेटोप्ल्यूर होती है, एक हमने पढ़ी थी स्प्लैंकनोप्ल्यूर जो हमने अभी ऊपर योग सेक के टाइम पर पढ़ी थी, अब दूसरी हम कौन सी पढ़ रहे हैं, सोमेटोप्ल्यूर। तो ये जो एमनियोटिक हेड है वो कहां से बन रहा है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमेटोप्ल्यूर से बन रहा है। कोई पूछे योग सेक कैसे बनता है तो हम बताएंगे वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लैंकनोप्ल्यूर से बनता है। ठीक है, तो ये सोमेटोप्ल्यूर वाली बात आ गई। अब ये इसकी भी जैसे हमने ऊपर डेफिनेशन समझी थी कि जो स्प्लैंकनिक लेयर होती है मेसोडर्म की वो लाइंड होती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म से, उसी तरह से जो सोमेटोप्ल्यूर होती है वो एक एंडोडर्म होती है और एक सोमेटिक मेसोडर्म होती है जो कि राइजेस अप बोथ इन फ्रंट एंड बिहाइंड द एम्ब्रियो इन द फॉर्म ऑफ द हेड एंड टेल फोल्ड्स ऑफ एमनियन। इस तरह से इसका थोड़े बहुत हमने यहाँ पर डेफिनेशन दी। अब ये जो एलिवेशन होते हैं इन्हें कहा जाता है एमनियोटिक हेड फोल्ड एंड टेल फोल्ड्स। यहाँ पर क्या हो रहा है शुरू में कि जो एंडोडर्म और सोमेटिक मेसोडर्म होती है वो थोड़ी ऊपर की तरफ आती है, इन फ्रंट की तरफ आती है और पीछे की तरफ से भी आती है एम्ब्रियो की, और एक चीज उसकी हेड बना लेती है एक एंडोडर्म वाला पोर्शन, और जो सोमेटिक मेसोडर्म वाला पोर्शन होता है उसका टेल फोल्ड बना लेती है एमनियन का। ये जो एलिवेशन सब जो नए बनते हैं उस एम्ब्रियो के अंदर उसको कहा जाता है एमनियोटिक हेड फोल्ड या फिर टेल फोल्ड्स। ये दोनों ही फोल्ड जो होते हैं वो हॉलो आउट ग्रोथ के होते हैं जिसके अंदर एक स्पेस होती है जो कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम कहलाती है जो कि स्प्लिटिंग ऑफ द मेसोडर्म से बनाई जाती है। जो हेड फोल्ड रहता है वो लार्जर रहता है टेल फोल्ड से, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेड फोल्ड इज लार्जर देन द टेल फोल्ड। फिर उसके बाद होता है फ्यूजन ऑफ हेड एंड टेल फोल्ड्स ऑफ एमनियन एंड फॉर्मेशन ऑफ एमनियन। क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो फ्यूजन हो रहा है हेड और टेल फोल्ड का एमनियन का, और उसके बाद फॉर्मेशन बन रहा है पूरी तरह से एमनियन का। तो जो ग्रोइंग फोल्ड्स थे मीट अबव द एम्ब्रियो इन शेप ऑफ एन आर्क और डोम एंड फाइनली फ्यूज। अब क्या हो रहा था, पहले मान लीजिए ये डायग्राम बनाते हम, यहाँ एक फोल्ड बनना शुरू हुआ था, एक फोल्ड यहां बनना शुरू हुआ था ये एम्ब्रियो का, तो इसको हमने नाम दिया था हेड फोल्ड और इधर वाले को हमने नाम दिया था टेल फोल्ड। तो ये हेड फोल्ड और टेल फोल्ड आपस में जाकर ऊपर फ्यूज हो जाते हैं। इस तरह की चीज यहाँ पर फ्यूजन में हमने देखी। नेक्स्ट है, यहाँ पर जब फ्यूजन होता है तो वो ऑलमोस्ट कहां तक पहुंच जाता है, मिड डोर्सल सरफेस ऑफ द एम्ब्रियो तक आ जाता है। ये जो प्लेस होती है उनके फ्यूजन की उसको जो नाम दिया जाता है वो होता है सेरो एमनियोटिक कनेक्शन। ऊपर हमने क्या करा था, ये दो जगह थी वो दोनों ऊपर जाके ऐसे फ्यूज हो गई थी, तो यहां जब फ्यूजन हो रहा है उस चीज को हम सेरो एमनियोटिक कनेक्शन कहते हैं। और आफ्टर द फ्यूजन ऑफ बोथ फोल्ड, जब दोनों ही फोल्ड का फ्यूजन हो जाता है तो जो इनर सर्फेस होता है सोमेटोप्ल्यूर का वो एमनियन बना लेता है ओवर और ऑन द डोर्सल सर्फेस ऑफ एम्ब्रियो। तो ऊपर की तरफ
ऑफ एम्नियन और अंदर का जो डॉर्सल सर्फेस होता है एम्ब्रियो का, वहां पर ये चीजें आ जाती है। इनर सर्फेस ऑफ सोमेटोप्ल्यूट जो रहती है फॉर्म कर लेती है एम्नियन को ओवर एंड ऑन द डॉर्सल सर्फेस ऑफ एम्ब्रियो, ये चीज होगी। अब जो इनर लेयर होती है एम्नियन की वो कैसे बनी होती है, एक्टोडर्म से बनी होती है, और जो आउटर लेयर होती है वाइल आउटर लेयर ऑफ सोमेटिक मेसोडर्म, तो अंदर वाली लेयर एम्नियन की एक्टोडर्म की बनी होती है और जो आउटर लेयर होती है वो सोमेटिक मेसोडर्म की बनी होती है। जो स्पेस रहती है एम्ब्रियो की और एम्नियन की बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द एम्नियन उसको कहा जाता है एम्नियोटिक कैविटी, जो कि एम्नियोटिक फ्लूइड से भरी होती है। तो एम्नियन नाम की मेम्ब्रेन, यहाँ एम्नियन नाम की मेम्ब्रेन है और यहाँ पर डेवलपिंग एम्ब्रियो, तो ये जो पूरी दोनों के बीच की स्पेस है इस स्पेस को कहा जाता है एम्नियोटिक कैविटी, इसमें एम्नियोटिक फ्लूइड होता है। साथ में हमने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम की भी बात की थी, जो कि एक दोनों जो फोल्ड्स होते हैं जब ये फोल्ड्स बन रहे होते हैं तो इन दोनों फोल्ड्स के बीच में एक होलो स्पेस होती है, खाली जगह होती है। हमने यहाँ ट्यूब स्ट्रक्चर बनाया तो इसके बीच में जो खाली स्पेस होती है उसको सीलोम का नाम दिया जाता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। सीलोम हम ह्यूमंस वगैरह और सारे ऑर्गेनिजम्स में मेसोडर्म, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म, ये सारी जो चीज होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर बायोलॉजी के कंसेप्ट में हम इसका यूज करते हैं। तो मैंने उसको ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर रखा है सीलोम नाम से, तो उसको चेक कर लेंगे तो सारे वहां पर क्लियर हो सकते हैं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। तो फंक्शंस ऑफ एम्नियन में सबसे पहला फंक्शन है जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, लैंड पे रहने वाले एनिमल्स जो होते हैं उनमें सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो सकते हैं एम्नियन के। यहां पहले हम डायग्राम को नहीं देख रहे हैं, पहले हम फंक्शंस देख लेते हैं फिर हम डायग्राम की तरफ आएंगे। तो ये तो ऊपर ये जो लिखा है ये डायग्राम्स के बारे में, तो हम इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, हम यहां से इसके नीचे वाला पोर्शन फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। तो हम देख रहे हैं फंक्शंस ऑफ एम्नियन को। जो एम्नियोटिक फ्लूइड होता है प्रेजेंट इन एम्नियन सर्व्स एज अ प्रोटेक्टिव कुशन ब्रेकिंग मैकेनिकल शॉक्स। ये जो एम्नियोटिक फ्लूइड भरा होता है इस एम्नियोटिक कैविटी में, एक तरह का फ्लूइड है और फ्लूइड क्या करता है, शॉक एब्जॉर्बर होता है। तो एम्नियन के अंदर भरा हुआ एम्नियोटिक फ्लूइड जो होता है वो क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव कुशन की तरह एक्ट करता है, जैसे कि एक पिलो होता है, तो हर तरह से अगर देखा जाए तो वो अपने जो मैकेनिकल शॉक्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसी तरह से ये भी करता है, यहां पर वो जो पानी होता है वो किसी भी तरह के जर्क शॉक्स उस एम्ब्रियो को डेवलपिंग एम्ब्रियो पे लगने से बचाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर, इट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो फ्रॉम डेसिकेशन एंड ऑल्सो मेंटेन्स द टेम्परेचर। एम्ब्रियो को सूखने से साथ में उसका एक टेम्परेचर मेंटेन करना जरूरी है अंदर, अगर टेम्परेचर एक्सीड कर जाएगा तो वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा एग उसका जो एम्ब्रियो है, उसी तरह से अगर टेम्परेचर कम रह जाएगा तो वो डेवलप नहीं हो पाएगा। तो एक टेम्परेचर मेंटेन करने का काम भी और डेसिकेशन से भी रोकने का काम ये एम्नियोटिक फ्लूइड जो एम्नियन मेम्ब्रेन होती है वही करती है। एम्नियोटिक फ्लूइड तो उसके अंदर की चीज थी और एम्नियन की हम बात कर रहे हैं। फिर इट ऑल्सो नरिशेज द डेवलपिंग एम्ब्रियो थ्रू एल्बुमिन। ये क्या करती है, जो नरिशमेंट होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो का वो प्रोवाइड करती है, लेकिन किसके थ्रू करती है, एल्ब्यूमेन के थ्रू करती है। एल्ब्यूमेन का मतलब व्हाइट वाला पोर्शन होता है एग का, वो हमें पता है। नेक्स्ट अब यहां पर है कोरियन। कोरियन को देख, तो कोरियन थर्ड मेम्ब्रेन है, यहाँ पर हमारे पास कोरियन डेवलप होती है अलोंग विद एम्नियन, एम्नियन के साथ साथ डेवलप होती है। इसका फॉर्मेशन जो होता है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रू एम्नियन, जब पूरी तरह से ट्रू एम्नियन बन जाता है तो आउटर लेयर जो होती है सोमेटोप्ल्यूर की, यहाँ पर भी नोट करना है सोमेटोप्ल्यूर की बात हो रही है, तो जो आउटर लेयर होती है सोमेटोप्ल्यूर की वो सेपरेट कर जाती है फ्रॉम सेरो एम्नियोटिक कनेक्शन। वहां जो कनेक्शन हुआ था उसको हमने नाम दिया था सेरो एम्नियोटिक कनेक्शन, तो वो कनेक्शन है वहां से ये सेपरेट हो जाती है और क्या बनाने लगती है, कोरियन। तो बेसिकली हो क्या रहा है, कोरियन एम्नियन के साथ डेवलप करती है। जैसे ही फॉर्मेशन हो जाता है एक ट्रू एम्नियन का, तो आउटर लेयर जो होती है सोमेटोप्ल्यूर की वो सेपरेट होने लगती है, अलग होने लगती है। कहां से अलग होती है, सेरो एम्नियोटिक कनेक्शन से अलग होती है और फिर वो कोरियन को बना लेती है। तो इसी टाइम पे इसको कहा जाता है, इस कोरियन को ही कहा जाता है फॉल्स एम्नियन या फिर सीरस मेम्ब्रेन। तो ये दो नाम इसी कोरियन को शुरू में दिए जाते हैं। ये जो आउटर लेयर होती है एक्टोडर्म की और जो इनर लेयर होती है सोमेटिक मेसोडर्म की, तो यहां पर ये बात की गई कि जो कोरियन होती है उसकी आउटर लेयर रहती है एक्टोडर्म की और जो उसकी इनर लेयर होती है वो सोमेटिक मेसोडर्म की होती है। दोनों ही लेयर्स कंटिन्यूस होती है करस्पॉन्डिंग लेयर्स ऑफ द एम्ब्रियो के साथ, जो ऑलरेडी एम्ब्रियो के साथ लेयर्स है उसी के साथ ये लेयर्स भी आकर साथ साथ में चलने लगती है। ये जो स्पेस रहती है बिटवीन एम्नियन एंड कोरियन, अब क्या हो रहा है, यहां ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो जो स्पेस जो कि एम्नियन के बीच में ऊपर जो हमने अभी मेम्ब्रेन पढ़ी वो और अभी जो मेम्ब्रेन पढ़ी वो, तो इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होती है जो कि कंटिन्यूस होती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम के साथ, और इस प्लेस को कहा जाता है सीरो एम्नियोटिक कैविटी। तो इसको कहा जाता है सेरो एम्नियोटिक कैविटी। ये हो गई कोरियन की बात। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ कोरियन। कोरियन एसोसिएशन में रहती है विद एलेंटॉइस और सर्व करती है रेस्पिरेशन में। दोनों ही अगर बात की जाए एम्नियन और कोरियन की, तो ये एडहेशन का काम करते हैं विद द शेल बाय कीपिंग इट इन स्लाइट मोशन, थोड़ा बहुत मोशन आने देते हैं वहां पर एम्ब्रियो के अंदर, और डेवलपमेंट जो होता है एम्नियन और कोरियन का बिगिंस ऑन द सेकेंड डे, दूसरे दिन उसके उसमें स्टार्ट होता है एंड इज कम्प्लीटेड ऑन द थर्ड डे ऑफ इंक्यूबेशन, और पूरी तरह कम्प्लीट हो जाता है थर्ड डे ऑफ इंक्यूबेशन तक। तो इसका डेवलपमेंट कुछ इस तरह